हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जैसे आपने थंबनेल देखा है उसके अलावा मतलब उसके बाद ही आप क्लिक कर इस वीडियो पे आए हो, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, तीनों ही प्रोसेस एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले। इससे पहले वाला जो वीडियो वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो कि पेज नंबर फर्स्ट वाला वीडियो है, वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो उसमें जो कि बेसिक टर्म्स है और अनदर साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन जो होता है उसका सारी ही बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। क्या है सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस? ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है सारे स्टूडेंट में, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट में ये क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होती क्या है। सेंट्रल डोग्मा का जो सेंट्रल डोग्मा जो वर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट वर्ड लगता है सबको कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इसका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले यही बात हम क्लियर करेंगे कि सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो देखेंगे सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस क्या होती है। पहले नोट्स निकाल के बैठ जाइए, उसमें जो भी मैं डायग्राम निकालूँ वो सारी डायग्राम निकालते जाइए, मतलब आपके ओन नोट्स बनेंगे। ठीक है, आपके ओन नोट्स बनेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होती क्या है। मैंने अभी तक आपको बताया है तो क्या होता है कि डीएनए से, थोड़ा आवाज़ में थोड़ा दिक्कत है, डीएनए से क्या बनता है अपना, डीएनए से बनता है अपना एमआरएनए। डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है अपना प्रोटीन का। मैं थोड़े हैंडराइटिंग बड़ी निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि दिखनी भी चाहिए। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, यहाँ तक क्लियर है बात। तो डीएनए से एमआरएनए बनने वाली जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। इतना तो आपको सभी सभी बच्चों को क्लियर है, जो रेगुलरली मेरे लेक्चर करते हैं वो तो अभी सी बात है, उनको सारी बातें ये पता है। ठीक है, एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसके अलावा भी एक प्रोसेस होती है जिसे हम ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहते हैं। मैं अभी नहीं बताऊंगा वो प्रोसेस, अभी वीडियो के एंड में जब ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बात क्या है कि जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, यह जो सारी जो प्रोसेस है, इस सारी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। क्या मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बना है? प्रोटीन। इस प्रोसेस को, ये सारी प्रोसेस को जो हेडिंग दिया है ना, उस हेडिंग को हम सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया तो कमेंट्स करते जाइए कि सर ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्यों डीएनए से एमआरएनए बनाना, यही बात है ना, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है इतनी बड़ी प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम देखेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस जिससे प्रोटीन बनेगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, तो क्या क्या ऐसा है कि डीएनए से हम एमआरएनए क्यों बनाएंगे, एमआरएनए से प्रोटीन क्यों बनाएंगे, ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। तो यही सारी बातें हम अभी इस वीडियो में समझने वाले, इससे सारी बातें समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बुक्स का जो पैराग्राफ है, पेज नंबर फर्स्ट पे दिया है, पेज नंबर फर्स्ट पे जो दिए वो पेज नंबर निकाल दिए, स्टेट बोर्ड का जो पार्ट टू का जो बुक्स है स्टेट बोर्ड का वो निकालिए, पेज नंबर फर्स्ट पे वो इंफॉर्मेशन है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या बोला है कि विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए इज द पर्टिकुलर इन इज द पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, तो ऑल फंक्शन जो होता है ना, ऑल जो फंक्शन होता है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल में से, वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? अपना डीएनए करता है। कौन करता है? अपना डीएनए। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है यहाँ पर, देयर बाय द कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का फंक्शन जो होता है, एक बात समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है ना, ये प्रोटीन सारी ही बातें को रेगुलेट करता है, सारी ही बातों को, मेरा कलर कैसा है, मेरा हाइट कितनी होगी, मेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का क्या है, अपना प्रोटीन्स है, या अनदर हम कह लेंगे प्रोटीन का जो फंक्शंस होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा जो एंटीबॉडी बनता है, वो सारी ही जो बातें होती है वो प्रोटीन से बनती है। किसके बनती है? प्रोटीन से। ठीक है, तो प्रोटीन इसलिए काम होता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे लूँ आपको। ठीक है, आपने क्या है, ये पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए, इन्होंने क्या किया, एक्सेसिव शुगर खा लिया,
ठीक है, शुगर खा लिया, मीठा कुछ खा लिया, ज़्यादा मीठा मीठा खाने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में क्या बढ़ा है, ग्लूकोज बढ़ा है, क्या बढ़ा है, ग्लूकोज, क्लियर है। तो हम ग्लूकोज बढ़े तो वो तो दिक्कत आएंगी, तो दिक्कत आने के बाद हमारे ब्लड में ये ब्लड वेसल्स है, ये जो अपनी क्या है, अपनी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल में से ग्लूकोज कम करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रेशन करती है। क्या सिक्रेशन करती है? इंसुलिन। तो ये जो क्या है इंसुलिन, ये इंसुलिन भी प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन ही इंसुलिन में कन्वर्ट होता है जहाँ पर, और ये क्या करता है अपना ब्लड में का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, क्लियर है यहाँ तक बात। जैसे कि मेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है, यहाँ पर प्रोटीन सिक्रेशन होगा, प्रोटीन सिक्रेशन होने के बाद ही मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। कोई भी वायरस हमारे यहाँ पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी डिफेंस में जो हमारी बेसिकली एंटीबॉडीज बनाती है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, ये भी प्रोटीन्स होता है। जैसे कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करती है एक पार्ट से अनदर पार्ट तक, आगे वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन किसके वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है अपना एक प्रकार का, मतलब एक प्रोटीन ही है वो, ठीक है। तो ये सारी ही बातें जो होती है बॉडी का जो सारा फंक्शंस होता है, ये सारे फंक्शन कंट्रोल करने का काम किसका होता है, अपना प्रोटीन का होता है। इसीलिए हम डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन बनने का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, वो डीएनए के ऊपर होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लेंगे। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द डीएनए। देखो यहां पर क्या बोला है कि जो कि प्रोटीन बनाने की, जो प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पर स्टोर है, डीएनए पर स्टोर है। मैं रेड कलर का पेन का यूज करता हूँ, रेड कलर का पेन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या बोला यहाँ पर कि जो इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, वो किसके ऊपर स्टोर है, अपने डीएनए के ऊपर स्टोर है। यहाँ तक बात क्लियर है। द सिंथेसिस द एप्रोप्रिएटेड प्रोटीन इज द रिक्वायरमेंट फॉर द नेसेसरी ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी को, आपकी बॉडी की जो डिमांड है, उस तरह का प्रोटीन आपकी बॉडी बनाती रहती है, ठीक है। जैसे कि मैं और एक एग्जाम्पल ले लूंगा, एक पर्सन ए है, ठीक है, हमारे पास ए पर्सन रहता है, ये पर्सन धूप में है, मतलब हाईली सनलाइट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सनलाइट में कोई भी जाकर सावड़ा बनता है, क्या बनता है, अपना स्किन का कलर डार्क हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, थोड़ा मराठी एक्सेंट है, तो क्या है, तो डार्क हो जाता है। जैसे मेरी स्किन डार्क है, तो ये डार्क क्यों है, क्योंकि मेलानिन सिक्रेशन होता है, हमारी बॉडी को सनलाइट से बचाना है, तो बचाना है, तो ये बॉडी की क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई, सनलाइट से बचाना है ना, तो इसके वजह से हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिक्रेशन करती है, और प्रोटीन सिक्रेशन जिसे हम मेलानिन कहते हैं, ठीक है, जो मेलानिन करने के बाद हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है सनलाइट से, ठीक है। जैसी बॉडी की नेसेसरी, मतलब नेसेसरी फॉर बॉडी, बॉडी की जैसी डिमांड होगी, उस तरह का प्रोटीन हमारी बॉडी बनाएगी, ठीक है। तो सारी ही बातें प्रोटीन पर होती है, हमारी लगभग जो रेगुलेशंस होता है हमारे बॉडी का, वो प्रोटीन होता है, ठीक है, और प्रोटीन बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए पर होता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोला है, दिस प्रोटीन आर द सिंथेसिस बाय द डीएनए, ठीक है। सिंथेसिस किससे होता है, डीएनए थ्रू द आरएनए, मतलब आरएनए इज कॉल्ड अ सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस। मतलब क्या है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस। बात क्लियर है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली प्रोसेस स्टार्ट करने वाले सेंट्रल डॉग्मा, सबसे पहले ये जीआईएफ देख लीजिए। देखो ये मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये जीआईएफ में देखो, जैसे कि आरएनए पॉलीमरस आ रहा है, आरएनए पॉलीमरस आने के बाद इस पर क्या हो रहा है, देखो सेपरेट हो रहा है, सेपरेट होने के बाद यहां पर सेपरेट होने के बाद क्या बन रहा है, आरएनए, ठीक है, आरएनए बन गया, आरएनए बनने के बाद ऊपर से प्रोटीन निकल रहा है, ठीक है, ऊपर जो चेन बन रही है, वो चेन बनने के बाद जो राइबोसोम ज्वाइंट हुए, चेन बनने के बाद ऊपर बन रहा है वो क्या है, अपना प्रोटीन से, क्या है, प्रोटीन, ठीक है। यहां तक जीआईएफ समझ में आया, ठीक है, ओके। ये इरेज कर लेंगे, तो ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो प्रोसेस है, सबसे पहली प्रोसेस है अपनी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ओके। यहाँ पर समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और इसके बाद समझेंगे हम ट्रांसलेशन प्रोसेस। सेकंड है अपनी ट्रांसलेशन प्रोसेस। बात क्लियर है यहाँ तक, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पर समझेंगे, एकदम इजी से समझेंगे, अपने हैंड से डायग्राम निकाल के आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या है, इतनी बात आपको बेसिक समझ में आनी चाहिए कि बेसिक में क्या है अपने, कि ये क्या है अपना न्यूक्लियस है,
पहले मैं लोकेशन आपको बता दूँ, पहले सेल निकालेंगे, ये क्या है अपनी सेल है, ठीक है। सेल के अंदर में क्या पाया जाता है अपना, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है अपना, न्यूक्लियस। या तो सारी बात क्लियर है, ये तो 7-8 की बात है। और न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाया जाता है अपना, क्रोमोसोम्स पाया जाता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को बाहर निकालेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम क्या होते हैं, बेसिकली जो डीएनए कंडेंस बनकर जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर में जो कंडेंस हुआ है वो क्या है अपना, डीएनए है। क्या है अपना, डीएनए, ठीक है। कंडेंस बनाकर ये अपना क्रोमोसोम जैसा शेप करता है, इसे हम बेसिकली इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए की लोकेशन क्या है अपनी, न्यूक्लियस के अंदर में। क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए के स्टैंड पर अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। देखो, ये जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये जो है, ये इसके इसे कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके। क्या कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यहां तक बात क्लियर है, उधर का दिख रहा है क्या, ठीक है। तो क्या है, तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सेल, सेल के अंदर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर में जो डीएनए है, और डीएनए के अंदर में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो सिंपल सा आंसर है कि जो प्रोसेस होने वाली है ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन क्या रहने वाली है, ये रहने वाली है अपनी न्यूक्लियस के अंदर। क्या, न्यूक्लियस के अंदर। यहां तक बात क्लियर है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हम करेंगे, या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब होती है, वो किसके लोकेशन पर होती है, अपने न्यूक्लियस के अंदर में। ये ध्यान में रखिए, ये एमसीक्यू आ सकता है, न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। तो डायग्राम निकालेंगे, न्यूक्लियस, आप ये डीएनए जो है, डीएनए क्या है अपना, कोलाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, कंडेंस कोलाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेट, ठीक है। ये जो डीएनए इंफॉर्मेशन, ये जो डीएनए है, इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम होता है, जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहले निकालेंगे हम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये हो गया अपना आरएनए पॉलीमरेज, लेबलिंग कर लेंगे। ये क्या है अपना, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्या है अपना, आरएनए पॉलीमरेज। यहां तक बात क्लियर है, ये रफ कर लूंगा मैं, ठीक है। ये क्या है अपना, आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर निकालेंगे अपना डीएनए, ये होगा अपना डीएनए, ये होगा यहां पर सेपरेट, ये डीएनए, यहां पर अनदर सेपरेट, ओके। यहां पर ये होगी डायग्राम, ठीक है। ये क्या है अपनी, डीएनए है। क्या है अपना, डीएनए। और डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है अपना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया था, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देखो, ये क्या है अपना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अडेनिन, ग्वानिन, या अनदर कह लेते हैं साइटोसिन, थाइमिन, या अनदर कह लेते हैं अडेनिन। यहाँ तक बात क्लियर है। और ऊपर वाला एक सिंगल स्टैंड भी निकाल लेंगे, जो कि सिंगल स्टैंड बनेगा अपना एमआरएनए। पहले मैं डायग्राम कंप्लीट कर लूँ। एक बात ध्यान रख दिए, ये जो अपोजिट होते हैं ना, इसके अपोजिट एमआरएनए पर, आरएनए पर, इसके अपोजिट रहेंगे थाइमिन। बट ये जो अडेनिन है, अडेनिन किसके साथ कोट करेगा, यूरासिन के साथ कोट करेगा, ठीक है। अडेनिन यूरासिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थाइमिन अडेनिन के साथ, और अडेनिन अनदर यूरासिन के साथ कोट करेगा। ये सिर्फ किसके कंडीशन में होता है, आरएनए के कंडीशन में होता है। और इसके अलावा, मतलब डीएनए पर जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी, वो रहेंगी अडेनिन और रहेंगी थाइमिन। बट ये एमआरएनए बनेगा, तो इसके अडेनिन के साथ कौन पेयर करेगा, कोट करेगा, यूरासिन कोट करेगा। कौन करेगा, यूरासिन। मैं दिख रहा था ना उधर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो यहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है। ये क्या है अपना, आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया है कि ये जो डीएनए था, डीएनए इस तरह से था अपना, कंडेंस फॉर्म में डीएनए था। तो ये जो डीएनए है, एक मिनट, ये जो डीएनए, ये डीएनए सबसे पहले अपने को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस डीएनए पर ही इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो इस डीएनए को हमने क्या किया, सेपरेट किया। दिखता है यहाँ पर सेपरेट, किसके मदद से किया, अपने आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से किया, डीएनए को सेपरेट किया। और ये जो, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज ने आरएनए पॉलीमरेज, मैंने आरएनए बोला क्या, आरएनए पॉलीमरेज की वजह से मैंने इसे सेपरेट किया। और आरएनए पॉलीमरेज किसका फॉर्मेशन करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, आरएनए के फॉर्मेशन। और यहां पर कौन सा आरएनए बनने वाला है, एमआरएनए बनने वाला है। एम का मीनिंग क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए की, ये डीएनए की इन्फॉर्मेशन यहां से कोड, मतलब बेसिकली इसके अपोजिट जो कोड है, जैसे कि हम कहते हैं अडेनिन के साथ पेयर करेगा यूरासिन, और ग्वानिन के साथ पेयर करेंगे साइटोसिन, साइटोसिन के साथ पेयर करेगा ग्वानिन, और थाइमिन के साथ अडेनिन, अडेनिन के साथ यूरासिन, पेयर करके एक सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहेंगे एमआरएनए। क्या बनेंगे, एमआरएनए, सॉरी, इसे क्या कहेंगे, एमआरएनए। यहां तक बात क्लियर है, सिंपल सी बात है,
क्या हो रहा है कि एक स्टैंड से क्या बन रहा है, एक अनदर स्टैंड बन रहा है जिसके मतलब डीएनए की कॉपी है, डीएनए की अपोजिट कॉपी है, ठीक है। और अपोजिट कॉपी बनने के बाद जो सिंगल स्टैंड बनता है जिसे कहते हैं हम आरएनए, जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो देखो हुआ क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मैंने क्या बताई थी, ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है कि डीएनए से क्या बनाना है अपने एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है कि डीएनए से क्या हुआ है, अपना एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है और ये कंप्लीट हो गया अपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या हो गई? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और इसका लोकेशन क्या रहने वाला है? ये लोकेशन रहने वाला है न्यूक्लियस। क्या रहने वाला है? न्यूक्लियस। यहां तक बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। ओके, तो फिर मैं और एक अनदर डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये तो एमआरएनए बना है, तो एमआरएनए कहाँ पर है? अपने न्यूक्लियस के अंदर में है, तो न्यूक्लियस के बाहर उसे निकालना पड़ेगा ना। तो ये है अपना न्यूक्लियस। ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए ये अपना क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? होल्स, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियर स्पोर। आपके बुक्स में ये डायग्राम दी है, जैसे कि मैं इमेज दिखा दूंगा। देखो ये इमेज है, न्यूक्लियर स्पोर से क्या बाहर निकल रहा है? अपना एमआरएनए बाहर निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? अपना साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये देखो न्यूक्लियस पर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल स्मॉल स्पोर प्रेजेंट है। और इस स्पोर में से जो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर में बना था, कहाँ पे बना था? अंदर में। देखो न्यूक्लियस के अंदर में बना और अंदर बनने के बाद ये आ रहा है बाहर, जो कि है अपना एमआरएनए, जो कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन नहीं, क्या कहेंगे हम? ओके, क्या इंफॉर्मेशन है? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, फिर से करेंगे, एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन। यहां तक बात क्लियर है? जो कि एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए जो कि कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। किसके? किसके? न्यूक्लियर स्पोर। न्यूक्लियर स्पोर का मीनिंग क्या है? जो कि छोटे छोटे होल्स रहते हैं न्यूक्लियस पर, मैंने अभी अभी आपको डायग्राम दिखाई है, उसकी वजह से बाहर आया, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर आया है, तो न्यूक्लियस के बाहर आने के जो एरिया रहता है, न्यूक्लियस का बाहर का एरिया को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होने वाली है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस का लोकेशन क्या रहने वाला है? साइटोप्लाज्म रहने वाला है। क्या रहने वाला है? साइटोप्लाज्म। तो पहले क्लियर कर दीजिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का लोकेशन कहाँ था? लोकेशन क्या था? न्यूक्लियस। और ट्रांसलेशन का क्या रहने वाला है? अपना साइटोप्लाज्म। यहां तक बात क्लियर है? ये डायग्राम रब कर दू, ठीक है। तो डायग्राम रफ करेंगे और समझेंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो ये आ गया अपना एमआरएनए। क्या आ गया? एमआरएनए। ओके, ये है अपना एमआरएनए। थोड़ा सा छोटा निकालना पड़ेगा, छोटा मतलब न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है वो छोटे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एक ओके, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिखेंगे हम क्या है, तो जैसे कि यूरासिन्स है और साइटोसिन्स है, ग्वानिन है, एडेनिन है, अनदर यूरासिन्स है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और अनदर ग्वानिन है और अनदर क्या हम क्या कह लेंगे? यूरासिन्स है। यहाँ तक है, ठीक है। एमआरएनए इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है और जैसे जैसे साइटोप्लाज्म में आया है तो इसके साथ कौन बाइंड होगा? अपना राइबोसोम्स बाइंड होगा। कौन बाइंड होगा? राइबोसोम्स, ठीक हो। ये क्या है? अपना राइबोसोम्स है, लिख लेता हूँ मैं। क्या है? अपना राइबोसोम्स। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या है? अपने राइबोसोम से क्लियर है। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं लार्ज सब यूनिट और नीचे वाला जो होता है जिसे स्मॉल सब यूनिट कहते हैं, वो स्मॉल होता है, मैंने बड़ा निकाल दिया ऊपर वाला। और इसके अंदर में राइबोसोम के अंदर में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? अपने टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अपने टीआरएनए। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ टीआरएनए का। देखो ये है अपना टीआरएनए और टीआरएनए के ऊपर इन्होंने अपोजिट क्या रहते हैं? अपने कोडॉन्स, अपोजिट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अपोजिट इन्फॉर्मेशन मैं निकालूंगा, यहाँ पर रहेगा एडेनिन, इसका ग्वानिन और इस यहाँ पर रहेगा साइटोसिन्स और इसके ऊपर रहेंगे प्रोटीन्स। क्या रहेंगे? अमीनो एसिड रहेंगे। क्या रहेंगे? अमीनो एसिड। देखो एक मॉलिक्यूल रहा है अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो रहा है कि ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड कलेक्ट करके आएंगे, इसको पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन, ठीक हो। जो ये जो आरएनए है ना, एमआरएनए, यहाँ पर लेबलिंग कर दूंगा मैं, ये क्या है? अपना एमआरएनए है। तो ये जो एमआरएनए है जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा था, ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कौन? राइबोसोम के सहारे, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम्स होती है। और ये राइबोसोम्स क्या करेंगे? कंप्लीटली आरएनए रीड करेंगे। किसके हेल्प से? अपने टीआरएनए के हेल्प से, ठीक है। टीआरएनए यहाँ पर आएगा,
और ये यहाँ पर फिट हुआ है तो ऊपर क्या अपना अमीनो एसिड, जैसे जैसे करके ये क्या करेंगे राइबोसोम लोकेशन चेंज करते जाएगा, एक एक mRNA सॉरी एक एक tRNA आएगा, अनदर tRNA आएगा और सब सब क्या करेगा रीड करेगा, ठीक है। रीड करने के बाद ऊपर एक एक ऐसे ऐसे करके चेन बनेंगे अमीनो एसिड की, और ये जो अमीनो एसिड की जो चेन्स होती है, ये जब अमीनो एसिड चेन एक्युमुलेट होती है तो होने के बाद इसे हम क्या कहते हैं प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोटीन। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ये क्या करेंगे सारे mRNA को रीड करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है ये एक tRNA आया, tRNA के बाद ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने रीड कर ली, रीड करने के बाद ये चला जाएगा, ठीक है, ऊपर अमीनो एसिड छोड़ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा अनदर tRNA आएगा आगे जाके, वो एक अमीनो एसिड यहाँ पर छोड़ देगा और ये चला जाएगा। उसके बाद क्या आएगा tRNA आएगा, ये इन्फॉर्मेशन रीड करेगा, उसके ऊपर अमीनो एसिड छोड़ जाएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है ऊपर चेन बनती है अमीनो एसिड की, और जिसे हम क्या कहते हैं प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोटीन। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, यहाँ तक बात समझ में आई, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोटीन। तो क्या हुआ है ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है अपना एम आर एन ए से क्या बनाना है अपनो सॉरी एम आर एन ए से क्या बनाना है अपने प्रोटीन बनाना है, क्या बनाना था अपने प्रोटीन बनाना था। तो इसीलिए जो कि हुआ है mRNA से प्रोटीन का ही फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ट्रांसलेशन। और इसके अलावा एक टर्म जो होती है मैंने बोला था मैं लास्ट में बताऊंगा, वो होता है अपने ट्रांसलोकेशन, क्या होती है ट्रांसलोकेशन, इसका मीनिंग क्या होता है ट्रांसलोकेशन। तो सिंपल सा फंडा है, जब राइबोसोम्स अपनी पोजीशन चेंज करता है, देखो ये कंप्लीटली आरएनए तो रीड करना है ना, तो राइबोसोम को अपनी लोकेशन आगे आगे जानी पड़ेगी, मतलब यहां से राइबोसोम यहां तक जाएगा, ठीक है, यहां पर राइबोसोम्स अटैचमेंट होगा कंप्लीटली mRNA रीड करने के लिए, कंप्लीटली mRNA की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए, मतलब लोकेशन चेंज होगा। ट्रांस का मीनिंग होता है ट्रांसफर होना, और लोकेशन का मीनिंग क्या होता है जगह चेंज करना। तो जब राइबोसोम्स अपनी लोकेशन चेंज करता है उस प्रोसेस को या उस टर्म को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यहां तक बात क्लियर है। और इसकी जो लोकेशंस होती है किसकी, ये पूरी प्रोसेस की, ये प्रोसेस लोकेशन होती है साइटोप्लाज्म, और ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन होती है न्यूक्लियस। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक वीडियो समझ में आया। तो ये हो गई अपनी कंप्लीटली प्रोसेस, जिसे हम सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस भी कहते हैं। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो जरूर से कमेंट्स करते जाइए। कोई प्रॉब्लम हो या समझ में आया तभी भी कमेंट्स कीजिए, और समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी लिख लीजिए कमेंट्स में, जो भी आपको पूछना है वो पूछते जाइए कमेंट्स में। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगते हो, और नोट्स में आते नोट्स कुछ बीच वाले लेक्चर में आपको सारी नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करते जाऊँगा और प्रोवाइड कर दूंगा, उसके एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारी जो नोट्स है मैं प्रोवाइड करते दूंगा, ठीक है। तो सारा वीडियो आपको समझ में आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर से लाइक करते जाइए और आपके फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए, ठीक है। धन्यवाद।